मेरे बहनों भाइयों, मैं कहना चाहता हूं कि समय समय पर जब देश की सीमाओं की सुरक्षा का सवाल खड़ा होता है, यही हमारे सैनिक आज पूर्व सैनिक हो गए हैं। अपने सीने का बटन खोल कर उसकी सुरक्षा करने का दायित्व निभाती है। मेरे पूर्व सैनिकों के प्रति भी हमारी सरकार पूरी तरह से संवेदनशील है और लंबे समय से वन रैंक वन पेंशन की जिसकी डिमांड चल रही थी उसको यदि किसी सरकार ने पूरा किया है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने पूरा किया है, हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने पूरा किया है। इनकी सेवा के प्रति भी हम लोग पूरी तरह से प्रतिबद्ध हैं। आप सबका भी अभिनंदन है, आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। मोदी है तो मुमकिन है, ये जो कार्यक्रम आज सारा भारत वर्ष से चलुची तेणु नरेन्द्र मोदी जो वार्ता नरेन्द्र मोदी जो विश्वास अच्छी ताकि लोक मैंने प्रतिफलन करुंट एवं आगामी दिन में नरेन्द्र मोदी को विश्वास कर भारतीय जनता पार्टी को विश्वास कर आगामी दिन में कलाहांडी एवं बलांगीर नवरंगपुर कोरापुट ये चार लोकसभा आसन तहत ओडिशा कोड़े रु एक कौन एक एक लोकसभा आम कमी हासिल करूँ तापी आम मान जो रणनीति प्रस्तुत करार अच्छी आज ये प्रस्तुत पर्व आम आरंभ हो जाए तेज ये थे भारतीय जनता पार्टी जन वरिष्ठ कार्यकर्ता जितेबाला आज विभिन्न जिलूर आम जिते आपण कौलु कलाहांडी बलांगीर बौद्ध सोनपुर एभली अनेक जिलू कोरापुटू अनेक कार्यकर्ता आज आसी ये सामिल होती बूथ स्तर कार्यक्रम जिते आज माननीयर भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जिते आज आसी बूथ स्तर कार्यकर्ता मानक जिते आज संबोधन करमी मान महोल बेस उत्साहित देखा मिलू सीधा सड़क भाव आउ कि कार्यकर्ता ये अच्छा प्रतिक्रिया ना आज्ञा कौन कहे आज जितेबले भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज गोटे दिनिया ग्रस्तर ओडिशा आसी आज नवरंगपुर आपण मैने जिते आपणकर नेता को आपणकर जितेबले प्रतिरक्षा मंत्री आसी आज आपण मान सम्मुखें अच्छा केते खुशी अनुभव कर निहाती आज एक खुशी एवं गर्वर विषय आपण मैंने जानते जे आज चार्टा लोकसभा संसदीय क्षेत्र को लेकर जो क्लस्टर मीटर ये क्लस्टर मीटर आयोजन होती से चार्टा कोरापुट नवरंगपुर कलाहांडी बलांगीर संसदीय क्षेत्र बूथ स्तर उपरिस्थ कार्यकर्ता मानक नहीं आज एक कर्मशाला आयोजन करमशाला विगत 10 वर्ष मोदीजी नेतृत्व में सुदृढ़ सशक्त भारत जो गठन हो तार विकास वार्ता तथा तो मोदीजी ग्यारंटी उपर ग्यारंटी वार्ता एवं ओडिशा रे नवीन शासन जो पराजयता और नवीन शासन कुशासन जो दुर्नीति जो महिला प्रति अनीति जो माँ को सम्मान ना माँ को अपमान करा से भ्रष्टाचारी सरकार विरुद्ध आज कर्णमंत्र देवे आम माननीय डिफेन्स मिनिस्टर केन्द्र सरकार ठारु आज शुणु आउ निहाती रूपे आगामी दिन में कार्यकारी करूँ प्रस्तुत होती भाव में ये सीधा सड़क भाव प्रतिक्रिया शुणुते भारतीय जनता पार्टी जो वरिष्ठ कार्यकर्ता मैंने रही विभिन्न जिलूर आज आसी जिते यही कार्यक्रम सामिल होती सीधा सड़क भाव में मोर सहयोगी कैमेरा पर्सन कह आउ थे आपँ देखे जितेबले आज भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जितेबले आज आसी लोकं संबोधन करोकों गहन अच्छा एवं नवरंगपुर माटी आज जिते बड़े भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज जिते आसी ये सामिल होती सीधा सड़क भाव देखिपे पुलिस प्रशासन कड़ा सुरक्षा व्यवस्था ये रही जांच व्यवस्था कर समस्त जो कर्मी माने रही समस्त को ये जांच कर भीतर को छोड़ा जाऊँ एवं जितेबले आपड़ देखिपुर नवरंगपुर पुलिस प्रशासन ये मुतयन करा पूरा संपूर्ण भाव एलर्ट रही समस्त जेकोसी लोक भितर को जा समस्त बेस कड़ाकड़ी जांच चली आपत देखिपुर राजनाथ सिंह जिते आज संबोधन करोकूर कर्मी मानक संबोधन कलाहांडी सांसद बसंत पंडा उपस्थित रही मंच में पूर्वतन सांसद एवं पूर्वतन विधायक कनकवर्धन सिंहदेव ये उपस्थित रही भारतीय जनता पार्टी राज्य सभापति ये उपस्थित रही समस्त उपस्थित रे वर्तमान ये कार्यक्रम जिते अनुष्ठित सीधा सड़क भाव देखिपुर थे ये लोकंर बेस भिड़ रही प्रिय नेता जिते राजनाथ सिंह आज आसी देखापी आज बलांगीर सांसद देखिपुर थे मंच में बलांगीर सांसद संगीता सिंहदेव ये उपस्थित रही हूँ नवरंगपुर आम आपण देखु जिते बड़े आज भारत प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आसी सीधा प्रसारण हम लोगों ने इस वादे को भी पूरा बार बार प्रारंभ से ही हम लोग 1984 से 1984 से कहते चले आ रहे हैं जिस दिन हमको अवसर मिल जाएगा
अयोध्या की धरती पर भव्य राम का मंदिर बनने से हमें दुनिया की कोई ताकत रोक नहीं सकती। मंदिर तो बनाएंगे लेकिन तारीख नहीं बताएंगे। कहना भाइयों, तारीख भी 22 जनवरी लोगों को मालूम हो गई और वहां पर भव्य राम का मंदिर भी बना। भारत जैसे 140 करोड़ की जनसंख्या के देश को चलाने के लिए कलेजा मजबूत चाहिए। कमजोर कलेजे से देश नहीं चलाया जा सकता। हमारी सांस्कृतिक विरासत, कल्चरल हेरिटेज, भारत की पहचान को बनाए रखने के लिए इसको सुरक्षित रखना यह हमारी नैतिक जिम्मेदारी है। हम इस दायित्व को पूरा कर रहे हैं। चले जाइए काशी में बाबा विश्वनाथ का भव्य मंदिर देख लीजिए। बड़ी संख्या में लोग, लाखों की संख्या में लोग वहां दर्शन करने के लिए पहुंच रहे हैं। हमारी माताएं बहनें आज गृहलक्ष्मी बन गई है। 2 करोड़ से ज्यादा लखपति दीदी बन गई है। किसी ने इसके पहले चिंता नहीं की कि गरीबों के घर में भी शौचालय होना चाहिए। आलीशान महलों में रहने वाले, बड़े बड़े घरों में रहने वाले माताओं बहनों की जो इज्जत और असमत होती है, मेरे बहनों भाइयों, हमारी झोपड़ियों में रहने वाली माताओं और बहनों की इज्जत और असमत उनका भी सम्मान होता। हमारे प्रधानमंत्री ने 11 करोड़ शौचालय इस देश में बनवाए। झुग्गी झोपड़ियों में बहुत सारे लोगों ने अपनी ही जिंदगी नहीं गुजारी, बल्कि उनके पिता, पिता के पिता, पिता के पिता के पिता सारी जिंदगी इसी में गुजार दी। 4 करोड़ ऐसे लोगों के पक्के मकान उपलब्ध कराने का काम यदि किसी ने किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी ने किया। और मेरी जहां तक जानकारी है, यदि आंकड़े मैं समझता हूं सही होंगे, 30 लाख इस उड़ीसा में लोगों को पक्के घर बनाकर देने का काम यदि किसी व्यक्ति किया है तो हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने। और मैं आपसे पूछना चाहता हूं, आप पार्टी के कार्यकर्ता हैं इसलिए मत बताइएगा, न हो तो बतला दीजिएगा, पहले से सड़कों की हालत अच्छी है कि नहीं है? है तो हाथ उठाइए, जीवंतता के साथ बनाइए। पहले से अधिक गांव में सड़कें बन गई हैं कि नहीं बनी है? और मैं आंकड़ा देना चाहता हूं, 2014 के पहले 70 सालों में 4 लेन, 6 लेन और 8 लेन की सड़कें केवल 18,000 किलोमीटर बनी थी। 70 साल में 18,000 किलोमीटर बनी थी और हम लोगों ने 10 साल में 30,000 किलोमीटर। भारतर प्रतिरक्षा मंत्री राजनाथ सिंह आज आसी सीधा प्रसारण आप फोकस प्लस देखिपे। वर्तमान नवरंगपुर जिते कार्यक्रम चली, किसी समय पर गोपालपुर कार्यक्रम रही, गोपालपुर कार्यक्रम पर मयूरभंज कार्यक्रम जहाँ रही वर्तमान कह। आज कौन कहते राजनाथ सिंह जिते आज आसी नवरंगपुर कर्मी मान कौन संदेश दौंती आगामी निर्वाचन किसी दिन पर जिते निर्वाचन होगाक जा एवं एक प्रकार सर्वे रिपोर्ट रे भारतीय जनता पार्टी को 21 लोकसभा आसन 20 लोकसभा आसन रे बाजीमात कर जिते बड़े सर्वे रिपोर्ट आसुची। कर्मी माहौल तो बेस उत्साहित कर्मी माने देखा मिलूँ वर्तमान समय रे, किंतु आज राजनाथ सिंह कौन मेसेज दौंती निहाती भाव समस्त नजर रहा। नवरंगपुर रंजन कुमार महांती, फोकस प्लस।